और अब झूठ ना बुलाए, चोरी से बचाए, मगर किस्मत में क्या है ये कौन समझाए। क्राइम की दुनिया ना होती अच्छी, ना होती अच्छी, ना होती अच्छी। मकारों से दोस्ती बुरी लत लगाती है, चोरी करवाती है, नशेड़ी बनवाती है, बनके बह रुपया धन लूटे सबके, है धोखा ही धोखा, धोखा हर कदम पे। क्या थी उसकी मजबूरी, क्या है उसे डर, गरीबी सताती है, सबको रुलाती है, बुरे दिन दिखाती है, स्माइल खो जाती है। साला ये मजबूरी भी क्या क्या कराती, न रास्ता न मंजिल मिले इस मोड़ पे, है धोखा ही धोखा, धोखा हर कदम पे। न जाने ये क्राइम कब छूटेगा हमसे, खुराफाती माइंड चले नए नए जाल, ये है माया जाल। फैक्ट्री किधर है? यही फैक्ट्री है, चल साथ में। तू जा, मैं रुकता हूँ यहीं पे। कोई आया यहाँ पे अगर तो संभाल लूंगा मैं। मर भोसड़ी के, ये तो हाथ अटारे, खड़ा हूँ इधर। यार मुझे भी बहुत मजा आया, सुन रहा है ना बे? गया क्या? गया बहुत। क्या भाई, तेरा रफीक भाई आया नहीं? आएंगे। अबे जा, तेरे रफीक भाई का गेम बच गया। तुमको कैसे पता? बहरा है क्या? गोलियों की आवाज नहीं सुनी? जा, मैं इधर ही हूँ। यही रुकना? चूतिया।
ये माल तुम ले जाओ ध्रुव, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम रघु को कुछ नहीं करोगे, वो तुम्हारे आड़े नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ध्रुव पांडे कभी शर्तों पे काम नहीं करता। अगर रघु मेरे रास्ते में नहीं आए तो मैं कभी उसके रास्ते में नहीं आऊंगा, मगर अन्नू के साथ जो उसने हरकत की है उसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी। उसके लिए आई एम सॉरी, पर अगर रघु को कुछ हुआ तो उसकी कीमत तुम चुका नहीं पाओगे। काम हो चुका है, बैग उसके पास है। अयो आ गया तू, माल लाया करे। तुझे डर नहीं लगता है? बड़ा ही जिगरबाज है तू, मानना पड़ेगी तेरे को। मुझे डर नहीं लगता अन्ना, और ना ही जान प्यारी है। ना पाने की इच्छा है और ना खोने का डर। ये मुंबई है मुंबई, और ये मुंबई का मायाजाल। क्या ये जो समझ गई वो बच गई, और जो नहीं समझी वो मर गई। तू समझ गया। वेरी गुड। क्या ये मुंबई किसी को भर भर के देती है तो उससे चार गुना देती भी है, क्या समझी? मुंबई नहीं लेती, तू लेता है, क्योंकि तू इस मुंबई का डॉन है। जितना डर दुबई से नहीं लगता ना रेड्डी, उतना तुझ जैसे लोगों से लगता है। अब तू सही समझा रे, आज से तू मेरा आदमी, तू मेरे लिए काम करेगा, अन्ना रेड्डी के लिए काम करेगा, तू समझी क्या? क्या हुआ डिके? अन्ना मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मेरा आदमी भी गायब है और आपका माल भी। अरे झंडू, मुझे तुझ जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे मर्द चाहिए मर्द। इधर आ, इधर आ। क्या है? कुछ नहीं। पांक, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ए, तू आगे आगे चल रहा है। जा, आगे जा। चल जा आगे। ओए, तू पुलिस वाले से ऐसी बात नहीं कर सकता। पुलिस वाला तू कौन से एंगल से बे? दिखता नहीं वर्दी पे। तो वर्दी की इज्जत करना सीख, कितनी बार बिकेगा मतलब? जा, खर्च मत कर, जा। तू जानता नहीं, तू नहीं जानता, सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वाला ही होता है। अरे सर लो, मजाक कर रहा था मैं तो। थैंक यू।
आज हम आपको ऐसा सच दिखाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। फिल्म्स में जिनके चेहरे हजार होते हैं, पर हकीकत में इन लोगों का एक भयानक चेहरा आज हमारे सामने आया है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं ध्रुव पांडे, जिन्होंने दावा किया है सच का पर्दाफाश करने का। तो ध्रुव जी, बताइए अपनी कहानी। मेरा नाम है ध्रुव पांडे, बिहार का रहने वाला हूं। कुछ सपने और थोड़े से पैसे लेकर आया था इस मुंबई के माया जाल में, और अब तो ना पैसे बचे ना ही सपने। बहुत कुछ करना चाहता था मैं यहां पर इतना सब कुछ हो जाएगा ये पता ना था। जब असली जिंदगी से सामना हुआ, तब मुलाकात हुई रमाकांत राव से। कम ऑन ध्रुव, हालत देखो अपनी, खाने के वांदे है तुम्हारे। हो तो ये रहा तमंचा। मैंने तुझे सीएम इसलिए नहीं बनाया कि मेरे काम में दिक्कत आ जाए, है? अरे जब मेरा 200 करोड़ का माल गायब हुआ, अन्ना सीएम साहब। सीएम का फोन, लगता है झंडू न्यूज देख रहा है। बोल रहे झंडू, क्या? अरे साजे, पावर तेरे पास, पोजिश तेरे पास, और ये दंगा रोकने मुझे बोलती, अन्ना रेड्डी को बोलती। मैं आऊंगा दंगा रोकने। ताजे झंडू, वैसे भी तू अब इस कुर्सी के लायक नहीं रहा, चल निकल झंडू। झंडू गई का पकड़ रहे। बाबूजी को प्रॉमिस किया था कि हमेशा साथ दूंगा, तो दूंगा। अगर मेरा बस चलता तो अभी सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार देता। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि दादाजी की आप नाजायज औलाद हो। उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं, और जिसे अपना माना उसे तो उन्होंने खुद मरवा दिया। माँ और बाबूजी को दादाजी ने ही मरवाया था ना। ये धंधा ऐसा ही है रघु, खून से बढ़ता है। एक नरभक्षी पौधा, जितना खून पिलाओ उतना ही बढ़ेगा। साले बोल, कहाँ है रघु? क्या किया उसने अन्नू के साथ? बोल वरना ठोक दूंगा। बता दो भाई, बता दो, मुझे मत मारो भाई, बता दो। रघु भाई ने अन्नू के घर जाके उसे उठाकर उसका रेप किया और उसे जला के मार डाला। मुझे मत मारो भाई, मुझे मत मारो भाई। नहीं,
अच्छा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ए हाय ब्रो, कैसा है तू? बहुत मिस किया यार तुझे। अबे तू कौन है? मुझे भूल गया? अरे याद है उस दिन वो तेरी गर्ल तुझे छोड़ के गई थी एंड फिर मैं तुझे। हाँ, याद है याद है। हाँ तू यहाँ कैसे, कैसी चल रही है तेरी लाइफ? मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है डार्लिंग, बस तेरी कमी है। अबे मैंने तुझे बोला है ना, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है डार्लिंग, रुक मैं तुझे किसी से मिलवाता हूँ। सुनो इधर आओ। अब झूठ ना बुलाए, चोरी से बचाए, मगर किस्मत में क्या है ये कौन समझाए। क्राइम की दुनिया ना होती अच्छी, ना होती अच्छी, ना होती अच्छी। मकारों से दोस्ती बुरी लत लगाती है, चोरी करवाती है, नशेड़ी बनवाती है। बनके बह रुपया धन लूटे सबके, है धोखा ही धोखा, धोखा हर कदम पे। क्या थी उसकी मजबूरी, क्या है उसे डर? गरीबी सताती है, सबको रुलाती है, बुरे दिन दिखाती है, स्माइल खो जाती है। साला ये मजबूरी भी क्या क्या कराती, न रास्ता न मंजिल मिले इस मोड़ पे, है धोखा ही धोखा, धोखा हर कदम पे। न जाने ये क्राइम कब छूटेगा हमसे, खुराफाती माइंड चले नए नए जाल, ये है माया जाल।